सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो एवरीवन, वो पीछे का लैंप बंद करना। करेक्ट 6 o'clock। हेलो हाय, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाय इट्स मी सेमी, हेलो अहमद, हाउ आर यू? हे विदु दीक्षित, हेलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी सब आ जाओ उसके बाद, हाँ सब आ जाओ उसके बाद। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शेरू इज ऑल्सो हियर। शेरू देखो, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाय सिया, वाओ व्हाट अ लाइव, वाओ व्हाट अ शो, वाओ व्हाट अ शेरू। सिया हाउ आर यू? हे तालिब खान हेलो, हाय पार्थ यादव हेलो, हेलो एवरीवन, कैसे है सब लोग? You deserve this. You have lost the plot. Hi guys. So, सब कैसे हैं? Hi निशांत, Hi आहिल खान, Hello confused, Hello Mr. अर्शद, अमरिंदर सिंह, Hi. So guys, मेरा eviction हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा sad, क्या दुखी महसूस कर रही हूँ। और मैं अली और राहुल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभिनव तो बाहर आ गया, बब्बी से बात हुई हमारी, और राहुल महाजन तो है ही बाहर ऑलरेडी। एंड डेफिनेटली रुबीना को भी मिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था मेरा उसके साथ। एंड अली, राहुल एंड ही इज शेरू कृष्ण गोनी। हाय पलक शर्मा, थैंक यू सो मच शिवानी, यस इन गोवा। गोवा के अंदर 2-3 दिन की छुट्टी, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ फिनाले की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? आप लोगों ने मुझे वोट क्यों नहीं किया? मैं मुझे वोट करते तो मैं घर के अंदर रहती ना अभी। मैंने अब तो शेरू भी मिल गया था और अच्छी दोस्ती हो जाती मेरी। नहीं, अभिनव एविक्शन इज नॉट फेयर, बिल्कुल भी नहीं। अभिनव बहुत अच्छा खेला है और अमेजिंग, इतना अच्छे से खेला है कि मुझे पहले मैं सोचती थी कि ये जो अभिनव है वो बहुत बोरिंग है, लेकिन जैसे मैं घर में गई और मुझे पता चला कि यार ये बंदा जो है वो ज़बरदस्त प्लेयर है, मास्टर माइंड ही है, साइलेंट प्लेयर है, 100 बातें बोलने से अच्छा 1 बात बोलता है और ज़बरदस्त खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, उसकी वाइफ भी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि वो पहले इविक नहीं हुआ, वरना रुबीना को कंट्रोल मुझे करना पड़ता। आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। फॉर मी, मेरे लिए 3 लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, राहुल, अली एंड रुबीना। तीनों ने बहुत ज़बरदस्त खेला है, बहुत अच्छी पारी खेली है, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं जो भी इसमें से ट्रॉफी लेकर जाएगा वो ज़बरदस्त होगा, सब ने अच्छा खेला। मेरा एविक्शन कैसा था तुम लोग बताओ। मैं बहुत रोई, मैंने बिग बॉस के घर के अंदर सजदा भी किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो वो सजदा अल्लाह का शुक्र अदा करने का था, एंड शुक्रिया अदा हमारे इंडिया मॉल, वाईकॉम, सबको कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा। अभिनव आ गया यार, अभिनव तो आ चुका है, अभिनव से मेरी बात हुई तो क्या नल्ली हलक तक खाएंगे, हलक तक, या डेफिनेट रुबीना भी जीतेगी तो मैं खुश हूँ, एंड नली राहुल भी जीतेंगे तो मैं खुश हूँ। सबने बहुत अच्छा खेला, तीनों ने बड़ा जबरदस्त खेला है। शेरू भी देखो बैठा हुआ है, शेरू मुझसे दूर नहीं जाता। शेरू ने तो सबसे ज्यादा शेरू ने कॉन्टेंट दिया ना इस हफ्ते। अरे विकास छोड़ो, आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहोगी? तीनों को दे दो ट्रॉफी, तीनों ही अच्छे है, जबरदस्त है। हाँ डेफिनेटली दूसरी बार गई, लेकिन मुझे फिनाले, मेरा हमेशा से ख्वाब रह जाता है कि मैं फिनाले में नहीं जा पाती। मैं दूसरी बार भी सीजन में गई, फिनाले में नहीं जा पाई, तो यही इट्स ओके। आई डोंट थिंक सो, पता नहीं एजाज आएंगे कि नहीं। अच्छा मैं तुम लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैं रात के टाइम, परसों रात को मैं सोते में से एकदम से मेरा नींद खुल गया और मैं चिल्लाती हूँ बहुत तेज़ और मेरी आँख में अभी भी दर्द है। मैं ऐसे आँख फाड़ देती हूँ अपनी, जैसे राहुल बोलता था ना, ये देखो उसकी आँखें, देखो आँखें, देखो आँखें, देखो। तो मैं चिल्ला कर बोल रही हूँ, अली राहुल नहीं नहीं
ऐसे करके मैं चिल्ला रही हूँ, और फिर मुझे एकदम से मैं ऊपर की तरफ ऐसे देखती हूँ, तो मैं बोलती ये क्या है, क्योंकि ऊपर तो हमारे पूरा लाइटिंग रहता है ना। तो मैं एकदम से ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ, मैं किस जगह हूँ, मैं किस किस जगह हूँ। तो मुझे एकदम से फिर याद आता है कि अरे मेरा तो इविक्शन हो गया, मैं बिग बॉस से बाहर आ गई हूँ, और मैं अली और राहुल को चिल्ला रही हूँ। हाय गौरव, हेलो, हाय नब्ज। हेलो, आपका न्यू हेयर कट एंड लुक बड़ा स्वीट है। हाँ, मुझे न्यू हेयर कट दिया हमारे बब्बी ने, बब्बी अभिनव ने। और मुझे जैसे कुछ होता था उस घर के अंदर, तो मैं अली राहुल को चिल्लाती थी, अली राहुल। हाय सिमी, हाय मोहम्मद नावीद। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरी जर्नी को। वाओ माय क्रश। हाय दीपक, से हाय। शेरू कृष्ण गोनी। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि शेरू के लिए फिनाले के लिए क्या पहनाना चाहिए, बिकॉज शेरू भी तो जाएगा ना फिनाले में। सब इसके हाथ में ट्रॉफी होना चाहिए, इसके हाथ में। राहुल मेरा अमेजिंग दिलदार, वो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ शेर शायरी मारता रहता था, मुझसे गुस्सा रहता। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ अभी राहुल और अली के बारे में, कि आप लोगों को लगता था कि मेरे राहुल से क्यों लड़ाई होती है। अब मैं उसकी सही वजह बताती हूँ आपको। सही वजह सिर्फ उसकी है कि राहुल को लगता था कि मैं अली से ज्यादा प्यार करती हूँ, राहुल को प्यार कम करती हूँ, ठीक है। इसीलिए जब मेरा इविक्शन हुआ तब मैं बाहर गई, और मैं जब जा रही थी तब मैंने बार बार बोला कि मैं तुम दोनों से इक्वल प्यार करती हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि मैं अली से ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं दोनों से बैलेंस ही प्यार करती थी, दोनों का एक ही प्यार था। रुबीना के बारे में मैं ये कहूंगी कि शुरुआत में मेरी उससे बहुत लड़ाई हुई, और हम दोनों एक दूसरे की शक्लें नहीं देखते थे। मुझे लगता था वो तकब्बुर भरी खातून है, लेकिन जैसे ही जब चंद्रमुखी शूटर और गर्दू बनाया गया, तो उसने मुझे तैयार करवाया अभिनव से कि ऐसा तैयार करो, ये बहुत फनी लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम मिले, तो उसके बाद अभिनव ने जब मुझे तैयार किया, और जब बीबी मॉल का टास्क वो जीती, तो बीबी मॉल का टास्क में से उन दोनों हस्बैंड वाइफ को पता था कि मुझे हर तीसरे या चौथे दिन आटे का हलवा खाना है। तो शुद्ध घी का आटे का हलवा बनाती थी वो मेरे लिए, बनाता था अभिनव, और बेसन का हलवा बनाती थी रुबीना। और रुबीना को पता था कि मुझे ब्रेड बटर बहुत पसंद है, पराठे के साथ बटर बहुत पसंद है, तो वो कट करके साइड में रख के चली जाती थी और मैं खा जाती थी। चोरी करने का मुझे बहुत शौक था, मैंने बीबी मॉल से बहुत चोरी की, बहुत सारे कपड़े चुराए। राखी को पता भी नहीं चलता था, राखी देख भी नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट शी थिंक के ओ मैं सबसे ज्यादा समझदार कैप्टन हूँ, और मेरे सामने से लोग कुछ उड़ा नहीं सकते, और मैं उसके सामने से चोरी करती थी। यस, मैं राहुल और अली से सेम प्यार करती हूँ, दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग शेरू कृष्ण गोनी के अब्बा हैं, इसके अब्बा हैं। तो वालेकुम अस्सलाम। ऑब्वियसली अब्बा है तो क्या है, मैं क्या करूं, उन लोगों ने कहा कि हम बाप हैं। 150% है, 75% अली का, 75% राहुल का। लोग अभी मैं कल कल मैं वहां पर थी एयरपोर्ट पर, तो वहां पर लोग पूछ रहे थे कि शेरू किधर है। फिर मैंने शेरू को दिखाया, बोले शेरू का तो टिकट लगेगा नहीं जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, शेरू का कोई टिकट नहीं लगेगा, इतना क्यूट लगता, देखो क्या बिचिंग क्यों करती थी इतनी, कहाँ करती थी मैं बिचिंग, मस्ती करती थी। नो, अली एंड राहुल फेक है जाना उन्होंने आपको उसका सर। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं थे, मेरे लिए दोस्त हमेशा, आप रुबीना के अलावा किसको बिना देखना। राहुल अली, मैं गोवा के अंदर हूँ, छुट्टी। हिना के डैडी का तो आपने बहुत यस, हाँ मैं इस बात को जरूर क्लियर करूंगी कि मजाक उड़ाया था, और मैं उस बात को शो में भी बोली हूँ कि जब मैं इसका डैडी का वो टास्क हुआ था उसका, और वो जब उसको डुबोने के लिए लेकर गई थी, तो मुझे बहुत हंसी आई थी। मुझे लगा था कि कोई सॉफ्ट ऑयल से कैसे प्यार कर सकता है यार, कैसे प्यार कर सकता है। तो लेकिन जब शेरू को मैंने जब प्यार करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा यस, सॉफ्ट ऑयल से भी प्यार हो सकता है, और बहुत करीबी, मतलब है ना,
शेरू मेरे साथ सोता था, मैं उसको रेडी करती थी, परफ्यूम लगाती थी, नहलाती थी और उसको उनके अब्बाओं की गोद में देती थी। शाम के टाइम जब मसाज करते थे रात के टाइम, तो उनके अब्बा की ऐसे गोद में जाता था, अब्बा दोनों खेलते थे उसे। ओ बहुत फनी था, ओ गॉड। राहुल उसको बोलता था, बेटू मेरा बेटा है, मेरा छोटा सा बेटा है। तो बहुत मजा आता था। यस, अभिनव के साथ नहीं, नहीं रुबीना शी इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छी अच्छी अदाकारा तो है ही वो, और खूबसूरत भी बहुत है माशाल्लाह। और उसके बाद जो उसका मेरे साथ जो बिहेवियर रहा बाद में, वो बहुत काबिले तारीफ था, जबरदस्त। थैंक यू जतिन वर्मा। बस आपने देवो लेने का वीडियो देखा क्या बाहर आकर? बहुत देवो ने जो भी किया वो बहुत मुझे हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे कप फेंके मार दिया, मुझे मेरे मुंह में रोटी डाल दी और यहाँ पर मेरे यहाँ पर निशान आ गया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी शेरू की वजह से। उसी के बाद तो शेरू आया था मेरे पास। हाय जो, हाय जे यू, थैंक यू सो मच भारत, अगर आओ मिसिंग यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई मिस, मैं बहुत मिस कर रही हूँ राहुल अली को। हाय मेरे दो शेर, मुझे नहीं पता उन लोगों की बाहर आके मेरे साथ क्या दोस्ती होगी, अंदर सबकी दोस्ती बहुत अलग होती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से निभाऊंगी। और राहुल और अली के दोस्त को, रुबीना के फैंस को और अभिनव के फैंस को, सबको ये बॉन्डिंग ज़रूर इंशाल्लाह देखने को मिलेगी अच्छे तरीके से, मेरी तरफ से 100% मिलेगी, बिकॉज मैंने दिल से दोस्ती की है, दिल से। अभिनव सर के साथ ने, साथ ने सुना, अभिनव तो अभिनव आप लोगों को याद होगा मुझसे हमेशा बोलता था, और अर्शी बताओ क्या खबर लाई हो। तो अभी जब मेरी उससे बात हुई तो उसने यही बोला, क्या खबर लाई हो ये बताओ। मैंने कहा कोई खबर नहीं है, तुम बाहर आ गए हो, कोई खबर नहीं है। नहीं नहीं, अभिनव के साथ बहुत गलत हुआ, मैं सोच रही थी अभिनव टॉप फाइव है, अभिनव टॉप फाइव, इवन मैं अपना भी सोच रही थी मैं टॉप फाइव हूँ, लेकिन शॉकिंग एलिमिनेशन करते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। अली एक नंबर का लेजी है, काम चोर है, सारा काम उसका मुझे करना पड़ता था, सिर्फ डिनर के टाइम सिर्फ सब्जी बनाता था, मुझे दाल बनानी है, मुझे चावल बनाने, मुझे पराठे बनाने हैं, मुझे पूरा किचन साफ करना है, खुद चुपचाप चला जाता था और आराम से सामने वाले बेड पे लेट जाता था और वहां से मुझे ऐसे घूर के देखता रहता था कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर मेरा हाथ रुक जाता था तो फिर वो शुरू हो जाता था ऑब्वियसली। और राहुल बहुत अच्छी चाय बनाता है, मैं उसको बोलूंगी आने के बाद कि चाय का अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट खोल ले, चाय बहुत अच्छी बनाता है। मजाक कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उसको दाल बनाना भी सिखाई राहुल को, लेकिन उसको आई नहीं, वो खाना नहीं बना सकता कभी भी, उसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी खाना बनाना राहुल कृष्ण वैद्य को नहीं आता। जैस्मिन आई डोंट नो उसके बारे में, लेकिन जैस्मिन बहुत क्यूट है, मेरे साथ बहुत अच्छा है उसका। हाँ अली और राहुल, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उन लोगों को यार, बहुत प्यार करती हूँ। हम लोगों के बीच में बहुत सारी फ्रिक्शंस, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की, उन लोगों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा ये कहती थी मेरे दो शेर हैं और शेर का बेटा है मेरे पास, मैं उन लोगों को कोई दूर नहीं कर सकता मुझसे। हाय यार, हम राखी अच्छी है, बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी क्रॉस हो जाती हैं चीज़ें, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उसके साथ भी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हमें वो एंटरटेनमेंट करना चाहिए कि किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ। हाँ राहुल मुझे जैसे ट्रीट किया, राहुल मेरा दोस्त है, मुझे नहीं इतना मेरे दिल में कुछ नहीं है उसके लिए। हम दोनों की लड़ाई भी होती थी, लेकिन वो मुझे साइड से देखता रहता था, लेकिन ऐसा नहीं है, दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े चलते हैं, और वो दोस्ती क्या जो दिल के अंदर बुराई रख कर बैठे, तो फिर मैं दोस्त कैसे रही, मैं तो फिर बुराई रख कर बैठूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बट आई लव राहुल एंड अली, दोनों मेरे दिल के करीब, मेरे दो शेर हैं वो। एंड रुबीना ने अपना जो नेचर था, जिस हिसाब से वो मेरे साथ रही, उससे मेरा दिल जीता, और वाकई में बहुत अच्छी इंसान है वो,
और एक बोलते ना एक छोटे शहर की लड़की है जिसको सब आता है करना, सब चीज़ें करती है, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से करती है, वो उसका नेचर है। मुझे लगता था पहले उसकी गर्दन ऐसी रहती है तो वो तकब्बुर खातून है, तो मुझे लगता था बहुत घमंड में चल रही है मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसकी गर्दन ही ऐसी वो ऐसी ही है, उसका बॉडी ऐसी, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो ऐसी करती है। एंड यस, मैं ये बताऊंगी जैस्मिन के बारे में, जैस्मिन बहुत केयरिंग है और जैस्मिन सामान हमेशा अपना देती है लोगों को, हमेशा देती है और लोगों के साथ, मेरे साथ तो बहुत अच्छे से रही, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। नहीं, बेकार कोई नहीं है, सब दिल के अच्छे हैं, बस समझना पड़ता है। सोनाली का वीडियो देखा, क्या किया सोनाली जी ने मुझे नहीं पता, सोनाली जी तो पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो कहाँ, मैंने तो उनको वो करवाया था सोनाली जी को, अली से तो मैंने ही जुड़वाया था, मैंने ही आग लगाई थी, माचिस तो मैंने ही लगाई थी कि चलो अभी कहो प्यार है, कहो ना प्यार है। वॉट अबाउट जैस्मिन बिहेवियर अगेंस्ट रूबीना, आई डोंट नो उन लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम है यार, मैं नहीं समझ पाई। पहले मुझे लगता था दोनों दोस्त हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्या सीन है, मैं अंदर नहीं हूं, नहीं तो मैं पक्का दोस्ती करवाने की कोशिश करवाती जैसे मैंने एजाज और राहुल की करवाई थी। बाकी मैं थोड़ा सा यही हूँ कि रूबीना भी अकेली, अभिनव बाहर आ गया, अभिनव निक्की अच्छी है, निक्की क्यूट है, अच्छी है यार वो, है हर बात में है उसका चलता है, ऐसा बोला क्या, ऐसा किया क्या, है ऐसे चलता है उसका। निक्की का सिर्फ एक ही काम है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, निक्की का सिर्फ एक ही काम है, सुबह उठ के अच्छे से अपने डिजाइनर्स कपड़े निकालो, आइनिंग करो, पहनो और खूब अच्छा सा मेकअप करो, श्या श्या करके चलो, है ना, आई लव उसका जो डांस है पूरे घर के अंदर, ऐसे से वो करती फिरती है, वो जबरदस्त है। बिग बॉस में आने के लिए क्या करना चाहिए पता नहीं, अभिनव नहीं, अभिनव फार्म हाउस गया शायद, मैं तो गोवा में हूं ना, क्या प्रॉब्लम, डेफिनेटली मिलूंगी मैं रूबीना से, डेफिनेटली मिलने वाली हूँ, और रूबीना तो यार डालेंगे, बिल्कुल मिलेंगे उससे, अली राहुल तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मिलेंगे, अभिनव है ना अपना, अभिनव तो डेफिनेटली मिलूंगी। चलो गाइज, लव यू, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और आप लोगों ने मुझे समझा, यही बहुत काफ़ी है, और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और समझा। इस बार मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मिली लोगों से सुनने के लिए बीबी 11 के बाद, तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, और मैं अपना रिश्ता अपनी तरफ से पूरे तरीके से निभाऊंगी, ताकि आप लोग ये नहीं बोलें कि अर्शी ने बिग बॉस से निकल के किसी के साथ धोखा दिया, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर इस बार अगर मैं बिग बॉस जाती हूँ या फिर उससे उसके बाद जाती हूँ, तो मुझे वोट दे देना, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं बच जाऊंगी, क्योंकि वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफिज, और तकब्बुर खातून, हलक तक खाऊंगी, हलक तक, 3 दिन तक, बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।